ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट नाम से पता है आपको कैसा प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे तो क्वांटिटी कैसा मिलेगा हमको, ये जो क्वांटिटी मिल रहा है वो क्या मिलेगा, कैसा क्वांटिटी होगा, ये स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, दो वेक्टर को हम लोग जो प्रोडक्ट कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। प्लीज क्या सर, 2 मिनट थोड़ा ऊपर जा सकते हैं स्क्रीन में? हाँ जी, यही से शुरू किए तो कहाँ ऊपर जाए। नहीं सर, यही चीज। थैंक यू सर। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, कैसे डिफाइन करेंगे स्केलर प्रोडक्ट, क्या होता है, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा। फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल सा चीज है, तरीका सीखना है। मान लो कि एक वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर है जो कि मान लेते हैं कि 8 यूनिट है, और मान लेते हैं दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर जो कि मान लेते हैं कि 6 यूनिट है। ठीक है, और इस दोनों के बीच का एंगल दे रखा है आपको, मान लो कि 60 डिग्री एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, क्या दे रखा है, 60 डिग्री रखा है। ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर करेंगे तो क्या होगा बताओ, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर करेंगे क्या होगा बताओ, कैसे होगा, तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, बड़ा सिंपल सा तरीका है। ठीक है, ए वेक्टर का मॉडुलस कितना है, 8 है, बी वेक्टर का मॉडुलस कितना है, 6 है, और एंगल कितना दोनों के बीच में, एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा, हो जाएगा 48 इंटू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2, तो कितना आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा, क्या जाएगा, 24। ठीक है, 24। ठीक है, तो कैसा होता है क्वांटिटी, ए वेक्टर और दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कैसा देगा, स्केलर क्वांटिटी देगा। ठीक है, ये जो क्वांटिटी होगा कैसा होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, और इसका प्रोडक्ट कैसा आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी आएगा, कोई भी इसमें डायरेक्शन डायरेक्शन नहीं होगा, इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा है, किस तरह से करेंगे, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, आपको पता है, ठीक है, आपको पता है कि कॉस्ट कहां तक लाइव करता है, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। आपको पता है कॉस्ट कहां तक लाइव करेगा, कॉस्ट लाइव करता है -1 से लेके कहां तक, +1 तक। ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर कहां से कहां तक लाइव करेगा, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर कहां से कहां तक लाइव करेगा, तो प्लस ए बी से लेके माइनस ए बी तक करेगा कि नहीं करेगा, तो डॉट प्रोडक्ट होगा कहां से कहां तक लाइव करेगा, तो माइनस ए बी से लेके प्लस ए बी तक। ठीक है, माइनस ए बी से लेके प्लस ए बी तक, कोई दिक्कत। अगर आप बदलोगे ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर अगर पॉजिटिव है, अगर ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर पॉजिटिव, इसका मतलब कितना होगा, थीटा कहां से कहां तक लाइक करेगा, थीटा कहां से कहां तक लाइक करेगा बताओ, थीटा लाइक करेगा 0 से लेके 90 डिग्री तक, 0 से लेके 90 डिग्री तक करेगा कि नहीं करेगा। अगर किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा कितना होगा, 0 से लेके 90 तक होगा। ठीक है, अगर ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू 0 है, ठीक है, नॉन जीरो वेक्टर्स है, ठीक है, नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, उनका अगर डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया, 0 आ गया है, ठीक है, इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना होगा, थीटा इक्वल टू होगा 90 डिग्री। ठीक है, ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ए और बी दोनों क्या है, नॉन जीरो वेक्टर हैं, उस केस में ए एंड बी अगर नॉन जीरो वेक्टर हैं, उस केस में क्या होगा, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है, डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है, मतलब दोनों वेक्टर कैसे होंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे, दोनों वेक्टर कैसे होंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे, क्योंकि cos 90 इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है,
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर अगर नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है इसका मतलब थीटा कहां से लाई कर रहा होगा, थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन 90 टू लेस देन 180 डिग्री, 90 से लेके 180 के बीच में होगा, ठीक है, 180 के बीच में होगा। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा, होगा कि नहीं होगा, ये बात समझ में आ रहा है, बोलो हाँ ना कुछ तो बोलो, अरे बोलो, यस सर, यस सर, कुछ तो बोलो। चलो अब मैं कुछ कुछ क्वेश्चन पूछते जाता हूँ, फटाफट इसका आंसर देते जाना। ए वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, क्या होगा बताओ, ए वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, बोलो। अरे मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इंटू कॉस ऑफ कितना होगा, दो सेम वेक्टर है ना, ए वेक्टर एंड ए वेक्टर दोनों के बीच एंगल कितना होगा, जीरो होगा, कॉस ऑफ जीरो, कॉस जीरो बोले कितना होता है वन, तो क्या हो जाएगा ये मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, मतलब क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर। अगर किसी वेक्टर को खुद के साथ डॉट कर दिया जाए तो क्या देता है, स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड देगा, ठीक है, स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड देगा। अगर सेम ही वेक्टर को अपने आप वेक्टर से क्या करो, आप मल्टीप्लाई कर दो, सेम वेक्टर को आप उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो देगा, स्क्वायर देगा। बताओ आई वेक्टर डॉट ऑफ आई वेक्टर, आई वेक्टर डॉट ऑफ आई वेक्टर कितना होगा, वन। बाकी जी मांगी मांगी नहीं समझ में आता है क्या, आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, आई बताए इस सेम वेक्टर से अगर आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो उसका कितना होगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर देगा, आई का मैग्नीट्यूड कितना है वन, तो वन का क्या देगा, स्क्वायर देगा। आई डॉट आई कर लो या फिर जे डॉट जे कर लो तब भी क्या आएगा, वन ही आएगा, या फिर के डॉट के कर लो, के डॉट के कर लो, हर केस में क्या आएगा, वन ही आएगा, हर केस में क्या आएगा, वन ही आएगा। सेम वेक्टर को उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या देगा, उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। आई डॉट आई करो, जे डॉट जे करो, के डॉट के करो, ठीक है, क्या आएगा, वन ही आएगा, आया कि नहीं आएगा। अगर आई डॉट जे करेंगे तो कितना आएगा, जीरो, जीरो आई डॉट, और इस तरह से जे डॉट के करेंगे तो क्या आएगा, जे डॉट के करेंगे तो क्या आएगा, जीरो, और के डॉट आई करेंगे तो कितना आएगा, सब क्या आएंगे, जीरो आएंगे, क्योंकि सब क्या है, आई जे के आर परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है। आपको पता है अगर दो नॉन जीरो वेक्टर हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है, जीरो आता है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। कोई भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट उसका हमेशा जीरो आएगा, ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। अगर मान लो ए वेक्टर इस तरह से दिया हुआ, ए वेक्टर इक्वल टू, ठीक है, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, एक बी वेक्टर दिया हुआ इस तरह से पी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। अगर बोले आपको क्या करना है, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर करना है, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर करना है, कैसे निकालेंगे ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया, ए वेक्टर इक्वल टू हो गया ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप डॉट ऑफ क्या है, बी वेक्टर, बी वेक्टर कितना है, बी वेक्टर है बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री
एक तो तरीका था क्या, इसका मॉडुलस निकाल लेते, इसका मॉडुलस निकाल लेते, दोनों के बीच में एंगल निकाल लेते और क्या करते हम लोग, ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस ऑफ थीटा। दूसरा तरीका क्या है, तो क्या दिया हुआ, प्रोडक्ट करना है ना, हमने ए वेक्टर लिख लिया, हमने बी वेक्टर लिख लिया, अब क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा, अब इसको क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यहां से क्या जाएगा, ए वन इंटू बी वन, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना जाएगा, ए वन इंटू बी वन इंटू आई वेक्टर डॉट ऑफ आई वेक्टर, वर्क नहीं होगा, वर्क नहीं होगा, या फिर ऐसे लिख लो, आप ऐसे लिखो, ए वन आई वेक्टर डॉट ऑफ बी वन आई वेक्टर, वर्क नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से इसको क्या करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे, और इसको क्या करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या होगा, देखो ए वन आई वेक्टर डॉट ऑफ बी वन आई वेक्टर की है, तो ठीक है, आई वेक्टर डॉट ऑफ आई वेक्टर हुआ, जब आगे करोगे तो क्या हो जाएगा, ए वन आई वेक्टर, ठीक है, ए वन आई वेक्टर डॉट ऑफ बी टू जे वेक्टर, और आगे करोगे तो क्या आ जाएगा, ए वन आई वेक्टर डॉट ऑफ बी थ्री के वेक्टर, वर्क नहीं होगा, बताओ, अभी सिर्फ इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अभी सिर्फ इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखो बाकी लिखेंगे, बाकी इस तरह से तीनों लिखेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगा, शॉर्टकट में हो जाएगा, देखो कैसे हो जाएगा, देखो ए वन आई वेक्टर डॉट ऑफ बी वन आई वेक्टर करोगे तो क्या हो जाएगा, बताओ ये क्या हो जाएगा, ए वन इंटू बी वन इंटू आई वेक्टर डॉट ऑफ आई वेक्टर कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, अभी बोले थे आई वेक्टर डॉट ऑफ आई वेक्टर कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, यहाँ से देखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जाएगा आई वेक्टर डॉट ऑफ जे वेक्टर तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, आई वेक्टर डॉट ऑफ जे वेक्टर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, दोनों वेक्टर कैसे है, परपेंडिकुलर वेक्टर है, यहाँ भी कर क्या है, आई डॉट जे, ठीक है, जे डॉट के डॉट आई, सब क्या होंगे, जीरो होंगे, तो अगर आई को जे के साथ डॉट करोगे या फिर आई को के साथ डॉट करोगे तो दोनों क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। सेम इसको, इसको अगर आप जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जे को जे के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, बी वन इंटू बी टू इंटू वन, बाकी अगर जे को आप आई के साथ मल्टीप्लाई करो या फिर जे को आप के साथ डॉट लो, दोनों किस्म क्या आएंगे, जीरो आएंगे। उस तरह से के वाला देखोगे तो क्या होगा, के वाला सिर्फ के साथ डॉट होगा, बाकी दोनों के साथ क्या होगा, जीरो हो जाएगा, आई के साथ भी इसका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो होगा, के का जे के साथ भी डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो होगा, सिर्फ क्या होगा, के का साथ डॉट प्रोडक्ट बचेगा, क्या बचेगा, ये बचेगा ए थ्री ए टू हो जाएगा ना, ए टू बी टू, यहां से हो जाएगा ए थ्री बी थ्री इंटू वन, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, अरे बोलो, ये बात समझ में आ रहा है, तो मैं इतना लिख नहीं रहा हूँ, ये सब डिलीट कर रहा हूँ और एक लाइन में डॉट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, एक लाइन में डॉट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, अगर दो वेक्टर इस तरह से आई और जे के फॉर्म में दिया हुआ हो, आई और जे के फॉर्म में देना हो तो कैसे डॉट करेंगे, ठीक है, डॉट करने का मतलब क्या होगा, आई के साथ डॉट करेंगे, जे के साथ डॉट करेंगे, ठीक है, आई का सिर्फ आई के साथ डॉट करेंगे, जे का सिर्फ जे के साथ डॉट करेंगे, और के का सिर्फ के साथ डॉट करेंगे, बाकी सबके साथ डॉट कितना होगा, जीरो हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए वन बी वन, ठीक है, प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री, ए थ्री बी थ्री, ठीक है, ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री, फॉर एग्जाम्पल अगर एक दे रखा ए वेक्टर इज इक्वल टू सिक्स आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस थ्री के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू फाइव आई कैप माइनस टेन जे कैप माइनस एट के कैप, जब ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर करो तो
ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर करो कितना आएगा, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा बताओ। 34 क्या जाएगा, क्या जाएगा, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर करो कितना जाएगा, जाएगा 6 × 5 ठीक है, 6 × 5 और ये कितना जाएगा तो प्लस 2 × −10 क्योंकि आई के साथ जे के साथ और के के साथ प्लस कितना हो जाएगा, हो जाएगा −3 × −8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा −20 और ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा +24 तो यहाँ से नेट कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा, नेट कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। एक और एग्जांपल करो, ए वेक्टर इक्वल टू 10i cap + 6j cap − 4k cap and बी वेक्टर इक्वल टू 2i cap = 24 तो +11k का ठीक है, करो तो जरा ए वेक्टर डॉट जीरो, हाँ सर जीरो ठीक है ठीक है, तो देख ही लिया जोर जोर कर रहे थे हम तो नहीं क्या होगा यहाँ से देखोगे 10 × 2 कितना आ जाएगा 20 प्लस कितना आ जाएगा 24 यहाँ पे जे लिखना भूल गया और यहाँ पे कितना आ जाएगा −44 कितना आ गया 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो बताओ जरा, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, वो तो परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर है क्या, ए वेक्टर 0 वेक्टर है क्या, नहीं है, क्या बी वेक्टर 0 वेक्टर है क्या, नहीं है ठीक है, इसका मतलब अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आया मतलब क्या है, दे आर परपेंडिकुलर वेक्टर, दे आर परपेंडिकुलर वेक्टर, कभी भी दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट क्या आता है 0 आता है इसका मतलब दोनों वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे, इसका नॉन जीरो वेक्टर का, कोई अगर एक जीरो रहेगा तो डॉट क्या आएगा 0 ही आएगा, कोई अगर जीरो एक वेक्टर रहेगा तो डॉट में से क्या आएगा 0 ही आएगा, अगर दोनों नॉन जीरो वेक्टर है उसका डॉट अगर 0 आ रहा है इसका मतलब वो दोनों वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे ठीक है। डॉट प्रोडक्ट का यूज हम लोग बहुत ज्यादा एंगल निकालने के लिए यूज करते हैं ठीक है, बहुत ज्यादा, जैसे फर्स्ट वाले में पूछता है कि बताओ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना होगा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना होगा, तो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल में एग्जांपल के थ्रू करेंगे हम लोग, मान लेते हैं कि एक वेक्टर है ए वेक्टर इज इक्वल टू a1i cap + a2j cap कब तक क्लास चलता है जी, a3k cap and 6:30 इसके बाद तुम लोग, इसके बाद तुम लोग क्लास है क्या, नहीं ना है सर, ओहो क्लास कम करवा लो, बोलो सर एक ही दिन क्लास लगाइए बस, दो क्लास वीक में बस, इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, b1i cap + b2j cap + b3k cap अगर आपसे पूछे कि बताओ फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या होगा, फाइंड बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो कई लोग तो बोलो सर इसका एंगल कैसे निकालेंगे ठीक है, फॉर्मूला लिख के छोड़ देंगे, क्या होगा तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे, डॉट प्रोडक्ट हमेशा एंगल निकालने के लिए इजी होता है, क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं वहां भी देखेंगे हम लोग, लेकिन डॉट प्रोडक्ट क्या करना होता है इजी होता है करना, क्रॉस प्रोडक्ट करना आसान नहीं होता ठीक है, थोड़ा लंबा होता है क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन आसान तो दोनों होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट करना क्या होता है फटाफट हो जाता है, आई के साथ करो जे के साथ करो के के साथ करो ठीक है, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर करेगा तो कितना आ जाएगा, ये जाएगा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा, यहां पर थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ठीक है, यहां से बोल सकते हैं हम लोग कि कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, फर्क नहीं होगा
यहां से क्या करेंगे एंगल हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी इक्वल टू कितना होगा, हो जाएगा ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री। ठीक है, इस दोनों को डॉट करोगे तो क्या जाएगा ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री। ठीक है, अब मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर की बात करें, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर की बात करें, ए वेक्टर का मॉडुलस कितना होगा, अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर की बात करें। ठीक है, इस फॉर्म में अगर दिया रहता आई जे के फॉर्म में तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, तो ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर। उस तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, हो जाएगा बी वन स्क्वायर प्लस प्लस बी टू स्क्वायर प्लस बी थ्री का स्क्वायर। यह है बी टू हमारा, बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस बी थ्री का स्क्वायर। किसी भी दो वेक्टर का अगर आपको बीच का एंगल निकालना है तो कॉस स्ट्रेच इक्वल टू कितना जाएगा, कॉस स्ट्रेच इक्वल टू हो जाएगा क्या, ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जो कितना आएगा ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू कितना जाएगा, अंडर रूट बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस बी थ्री का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा होगा जी। हाँ सर। अरे तो कुछ बोलता है ही नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको पूछे, मान लो एक वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू देख लेना टू आई कैप प्लस, पर सिंपल नंबर दीजिएगा। हाँ सोच तो रहे लेकिन हो पाएगा तुम ना, बी वेक्टर इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड कितना जाएगा, देखो थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप पांच, अरे ऐसे कर लो यार, देखो टिकट है ज्यादा दिमाग मत लगाओ, कर लो ना कुछ भी कर लो क्या दिक्कत है, माइनस ऑफ जे कैप, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा बताओ, कॉस इनवर्स 2/5 ऐसे आना चाहिए कुछ। कैसे निकालेंगे तो yes, जब भी आप, जब भी आपको कुछ बोले ठीक है एंगल निकालना है क्या करेंगे, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर कितना करोगे, आ जाएगा 6 - 4, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर कितना जाएगा 6 - 4 कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, आपको पता है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर कितना आ गया 2 आ गया, और मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर देखोगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 5 आ जाएगा ना, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 4 प्लस 1 5 ही आएगा अंडर रूट 5। क्या बोल रहे थे, इतना तो आ गया, अरे ही ना आएगा, कौन गलत बनाया, थीटा इक्वल टू कितना जाएगा, थीटा इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स, इनवर्स लिखते हैं ना इस तरह से 2 डिवाइड बाई 5√5, ये नहीं आया, यस सर, यस सर यही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी दो फैक्टर दिया रहेगा तो उसको हम लोग इस तरह से डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी का भी डॉट प्रोडक्ट आप इस तरह से आराम से कर लोगे, नहीं कर लोगे। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होता ही बहुत आसान है, बहुत आसानी से हम इसको डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे। ठीक है सर। हाँ सर बोलिए। डॉट प्रोडक्ट के अलावा और कोई टूल नहीं है एंगल निकालने का, क्रॉस प्रोडक्ट भी है
सर ये दोनों अगर कोई नहीं पढ़े हैं तो उसके बिना एंगल नहीं निकाला जा सकता। अगर आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर दे दिया, ठीक है, कैसे एंगल निकालोगे बताओ। वही पूछ रहे हैं अगर पॉसिबल है कि नहीं। कुछ तो पता होना चाहिए ना, थर्ड डाटा, थर्ड तो कुछ पता होना चाहिए ना। ऐसे ए वेक्टर है 2i कैप + 3j कैप, मान लो कुछ भी दिया हुआ i कैप + j कैप, और बी वेक्टर दिया हुआ है आपको मान लेते -i कैप + j कैप, बोले कि इसके बीच में एंगल निकालो कितना होगा। आप कैसे कर सकते हो, तो पहला बात है यार ये आई हो गया, ये जे हो गया, ये वेक्टर कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है, ए वेक्टर क्या होगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो आप इसका एंगल निकाल सकते हो, यहाँ से कितना एंगल होगा, मान लेते थीटा 1 है। उस तरह से बी वेक्टर देख सकते हो कहाँ पर होगा बी वेक्टर, तो बी वेक्टर कहाँ पर होगा, -i + j, ठीक है, कहीं इधर पे होगा। आप ए एंगल देख सकते हो, निकाल सकते हो कितना होगा, फिर देख लो कितना एंगल होगा, ज्योमेट्री के थ्रू निकाल सकते हैं, ज्योमेट्री से हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन ये क्या आसान तरीका है, इसमें तो क्या ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है किसी डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं, ज्योमेट्री के थ्रू निकाल सकते हैं, ये तो वहीं शुरू हुई है। बोलो सर। अरे कोई अगर एक वेक्टर दे रखा है तो आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता चल जाएगा ना, दूसरा वेक्टर दे रखा है तो उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पता चल जाएगा, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पता है आपको, दोनों का डायरेक्शन पता है तो एंगल निकल जाएगा, दोनों के बीच में कितना है निकल जाएगा, निकल जाएगा, यस सर, ठीक है। ये तो हो गया, हम लोग मैथमेटिकली देखे किसी डॉट वेक्टर को, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम लोग ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट हुआ क्या, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट हुआ क्या। जैसे कि मान लो कि ए वेक्टर है, ठीक है, और ए क्या है, बी वेक्टर है, ए क्या है, बी वेक्टर है, और इसके बीच का एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है, इसके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो अगर बोलेंगे ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर क्या होगा, तो जाएगा ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं ए इंटू बी कॉस थीटा, ए इंटू बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा क्या है, बी कॉस थीटा क्या है, तो कोई देखे तो बताओ क्या है बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा B का कंपोनेंट है कि नहीं अलोंग A, B cos थीटा क्या होगा, B cos थीटा होगा कंपोनेंट ऑफ B वेक्टर अलोंग A वेक्टर, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ A एंड B क्या हुआ, तो हुआ A वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ A इनटू कंपोनेंट ऑफ B वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ B वेक्टर अलोंग along a vector, ठीक है। इसका क्या होगा, एक कंपोनेंट कितना है, b cos theta है, ठीक है। तो b cos theta को मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, a से कर रहे हैं, ये क्या देगा हमको, डॉट प्रोडक्ट देगा, क्या देगा हमको, डॉट प्रोडक्ट देगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे a vector dot of b vector इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जाएगा a b cos theta, इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते थे a cos theta into b, ए कॉस थीटा इंटू बी, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, तो ए कॉस थीटा क्या होगा, ए कॉस थीटा होगा ए वेक्टर का, वेक्टर ए का कंपोनेंट अलोंग द बी वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, एक आ जाएगा, हो जाएगा ए साइन थीटा। उसी तरह से ये क्या होता हमारा, हो जाएगा बी, ये हमारा हो जाएगा b cos theta, और ये हो जाता हमारा b sin theta। ये बात समझ में आता है, a cos theta क्या होगा, a cos theta होगा कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर, ठीक है, along b वेक्टर इनटू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, ठीक है। ऐसे भी लिखे हैं, ऐसे भी लिखे, सब बात क्या है, बराबर है, आप अब समझदार हो गए होगे।
ठीक है, हर बार ऐसे से नहीं लिखेंगे, बड़ा भार पड़ता है लिखने में। ठीक है, समझ जाते हो ना इसका मतलब? अरे समझ जाते हो ना इसका मतलब? ये बात समझ में आ रहा है? तो अगर डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं किसी भी दो वेक्टर का, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो खुद के वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग इस वेक्टर। ए वेक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई कर दे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग द ए। ठीक है, इसका जो ए के अलोंग कंपोनेंट होगा उस दोनों का प्रोडक्ट बेसिकली क्या दे रहा है हम लोग को? डॉट प्रोडक्ट दे रहा है। दोनों को हम लोग क्या दे रहा है? डॉट प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रहा है? अब बोलो। ठीक है, तो सेम काम कर सकते हैं। ए कितना हो जाएगा? ए कॉस्ट हो जाएगा। तो बी इंटू ए कॉस्ट मतलब क्या हो जाएगा? तो बी को मल्टीप्लाई कर देंगे ए का प्रोजेक्शन अलोंग बी। ठीक है, ए का प्रोजेक्शन मतलब कंपोनेंट और रेजोल्यूशन फैक्टर करोगे तो। ठीक है, ए का कंपोनेंट अलोंग बी कितना होगा? ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दो बी से, तब भी डॉट प्रोडक्ट मिलेगा। दोनों काम करोगे तो सेम चीज होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर करो या फिर बी वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर करो, दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर करो या फिर बी वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर करो, दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। दोनों का वैल्यू क्या होगा? दोनों का वैल्यू सेम होगा, ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, ऐसा लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं होगा, ऐसा क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ डॉट प्रोडक्ट में होगा। ये बात समझ में आया? डॉट प्रोडक्ट कैसा है? स्केलर क्वांटिटी है। इतना कुछ समझ में आया? यस सर। ठीक है, वेरी गुड, तेज बच्चे हो। ऐसा तो नहीं है किसी को ऊपर से गया हो शुई शुई शुई, हैं? ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना? डॉट प्रोडक्ट क्वेश्चन ही नहीं है क्या? डॉट प्रोडक्ट क्वेश्चन नहीं है क्या इसमें? सर एक दिखा था नीचे ऑब्जेक्टिव्स में। ले प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये तो ना इंसाफी है। डॉट प्रोडक्ट कितनी इज्जत खराब हो गई है। ले ढूंढ के बुला लेना, ढूंढ के। ठीक है, ढूंढ के देख लेना डॉट प्रोडक्ट का। आप कोई भी रहेगा क्वेश्चन तो डॉट प्रोडक्ट का आप कर सकते हो। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट से आगे हम लोग को पढ़ना है क्या? क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, कोई भी डॉट प्रोडक्ट रहेगा तो आराम से, ज्यादा क्वेश्चन होता भी नहीं डॉट प्रोडक्ट में। ठीक है, एंगल निकालने के काम आता है, ये सब क्या है? एप्लीकेशन है, मैथमेटिक्स है। ठीक है, ये सब हम लोग यूज करेंगे आगे जब फिजिक्स पढ़ेंगे। तो किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने का मतलब समझे, कैसे करेंगे ये भी समझे। ठीक है, अगर IJK के फॉर्म में दिया रहेगा तो कैसे करेंगे वो भी हम लोग समझे। ठीक है, यहाँ पे आपके बुकलेट में थोड़ा सा क्वेश्चन दिया होगा इक्विलिब्रियम का। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने से पहले 10 मिनट का टाइम है, तो क्रॉस प्रोडक्ट 10 मिनट में होगा नहीं, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है इक्विलिब्रियम। ठीक है, बस मतलब समझना है इक्विलिब्रियम होता क्या है। ठीक है, इक्विलिब्रियम होता क्या है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाना था लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाने में टाइम लगेगा, एक टाइम समझ लेते हैं। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या होता है? मान लो एक पार्टिकल पे कई सारे फोर्स लग रहे हैं, या एक पॉइंट पे कई सारे फोर्स लग रहे हैं। सपोज दैट एक फोर्स लग रहा है F1, एक फोर्स लग रहा है मान लो कि F2, मान लो कि और भी फोर्स लग रहा है कितना, F3, और कुछ और फोर्स लग रहा है मान लेते हैं कि F4। इस तरह से मान लें कि बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, कई सारे फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, अगर बताओ कि इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, डिफाइन कर सकते हैं तो समेशन ऑफ, ये समेशन का सिंबल होता है, शायद आपने जानते होंगे, विशाल से पढ़ा रखे होंगे। समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू क्या हो? जीरो हो। ठीक है, समेशन ऑफ ऑल द फोर्स क्या हो? जीरो हो। किसी एक फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं,
अगर इस पर लगने वाले नेट फोर्स, समेशन ऑफ फोर्स मतलब क्या होगा, नेट फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए पॉइंट या फिर सिस्टम इज जीरो, देन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। किसी भी सिस्टम पे, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पार्टिकल पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर कई सारे फोर्स लग रहे हो, सारे फोर्स का जो रिजल्टेंट है, सारे फोर्स का सम है, वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और फोर्स का सम बोल रहे मतलब कैसा सम, वेक्टर सम, क्योंकि फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इतनी वेक्टर सम अगर सारे फोर्स का जीरो हो जाए, ठीक है, यानी एफ वन वैक्टर प्लस एफ टू वैक्टर प्लस एफ थ्री वैक्टर प्लस एफ फोर वैक्टर, सबका सम कितना हो जाए, तो सबका अगर वैक्टर सम करते हो और सम कितना आ जाए, जीरो आ जाए, इसका मतलब क्या होगा, इस पार्टिकल, ये पार्टिकल क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ये पार्टिकल क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अगर इससे एक से ज्यादा फोर्स लग रहा हो, सारे फोर्स का सम कितना आ जाए, जीरो आ जाए, क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। इससे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जरा करके बताओ जरा तुमको। मान लो कि एफ वन है, ये बात समझना, इक्विलिब्रियम कुछ भी नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, सबका सम कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं 53 डिग्री, ठीक है, मान लो एक पॉइंट पे तीन फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है F1, एक लग रहा है F2, इसको मान लेते हैं F2, इधर लग रहा है 8 न्यूटन, इधर लग रहा है 8 न्यूटन, ठीक है। अगर पूछे कि पॉइंट P क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, ठीक है, इफ पॉइंट P इज इन इक्विलिब्रियम, इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, पॉइंट P इज इन इक्विलिब्रियम, पॉइंट P इज इन इक्विलिब्रियम, देन फाइंड फाइंड F1 एंड F2, फाइंड F1 एंड F2, कितना होगा F1 एंड F2। अगर आपको दिया हुआ है कि ये पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो आपको निकालना है F1 और F2 कितना होगा। बताओ, बोलो, टेन एंड सिक्स, टेन एंड वन सिक्स है, एफ टू टेन है, ठीक है, कैसे करेंगे, तो पहले तो क्या करो, इसे कंपोनेंट में ब्रेक कर लो सबको, ठीक है, क्योंकि कंपोनेंट फॉर्म में ऐड करना और सेपरेट करना क्या करता है, आसान रहता है, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, एक कंपोनेंट हो जाएगा एफ टू साइन 53 डिग्री, अरे वाला कितना जाएगा, ये हो जाएगा F2 cos 53। नहीं समझ में आएगा तो बोलना, कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं, F2 फोर्स को हम लोग इस तरह से ले सकते हैं, F2 cos 53 इस डायरेक्शन में और F2 sin 53 इस डायरेक्शन में, ठीक है, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, बोलो मेरे नन्हे मुन्ने, यस। तो इधर क्या लग रहा है, फोर्स F1, और इधर के फोर्स कितना लग रहा है, इधर के फोर्स लग रहा है F2 cos of 53 डिग्री, इधर के फोर्स कितना लग रहा है, इधर के फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन, और इधर के फोर्स क्या लग रहा है, इधर के फोर्स लग रहा है आपका F2 sin, ध्यान से देखना, आगे इतना नहीं करेंगे, फटाफट करेंगे आगे, F2 sin 53। अगर नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब अगर होगा कोई, देखो बताओ जरा, क्या हम लिख सकते हैं कि अगर F net जीरो है, F net is equal to जीरो है, इसका मतलब कोई बताना कैसे लिख सकते हैं, क्या F2 sin 53 is equal to 8 and F1 is equal to F2 cos 53 degree, लिख सकते हैं ऐसा,
ए फोर्स इसके बराबर होगा और ए फोर्स इसके बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ जरा, ऐसा लिख सकते हैं। अगर नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब क्या होगा, इस डायरेक्शन में भी नेट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। इस डायरेक्शन में भी क्या होगा, नेट फोर्स जीरो होगा, एंड इस डायरेक्शन में क्या होगा, नेट फोर्स जीरो होगा, होगा कि नहीं होगा। अरे नेट फोर्स जीरो मतलब इस सिस्टम पर लगने वाले सारे फोर्स का सम कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। यानी इस दोनों को इक्वल होंगे और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे कि मान लो एक रस्सी है, आप भी क्या कर रहे हो, 8 न्यूटन से इधर की ओर खींच रहे हो, और एक बंदा भी क्या कर रहा है, 8 न्यूटन से इधर की ओर खींच रहा है, क्या करेगा रस्सी, मूव करेगा क्या, नहीं करेगा ना। कोई भी ऑब्जेक्ट है, ब्लॉक है, मान लो कि आप इधर की ओर खींच रहे हो, आप इधर की ओर खींच रहे हो, इसका मतलब क्या होगा, दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। अब एक आदमी आए और इधर की ओर खींचना शुरू कर दे, ठीक है, मान लो कि 1 न्यूटन का फोर्स एक आदमी आए इधर की ओर मूव खींचना शुरू कर दे, तो क्या करेगा, ब्लॉक इधर की मूव करना शुरू कर देगा, इधर की डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा क्या, नहीं करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू नहीं करेगा। जब भी ब्लॉक मूव करेगा तो क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स क्या है, बैलेंस नहीं है, इस डायरेक्शन में फोर्स क्या है, बैलेंस है। इधर भी 8 न्यूटन लग रहा था, इधर भी 8 न्यूटन लग रहा था, इस डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा, बैलेंस होगा। अगर कोई इधर क्या आके 1 न्यूटन और लगा दे, इस डायरेक्शन में भी ब्लॉक क्या करेगा, मूव नहीं करेगा, दोनों डायरेक्शन में क्या है, बैलेंस है। ये बात समझ में आ रहा है, अरे हाँ ना कुछ तो बोलो। यस सर। पक्का किसी डर से बोल दिए, डर से तो नहीं बोल दिए, तो बोल सकते हैं अगर नेट फोर्स क्या है, जीरो है, मतलब F2 sin 53 इक्वल टू कितना होगा, F1 होगा, एंड F2 sin 53 इक्वल टू कितना होगा, 8 न्यूटन होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। यस सर। पक्का। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि मान लो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, y एक्सिस हो गया, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ से सॉल्व कर लोगे ना, यहाँ से आपको 2 अननोन होंगे, एक हो गया F2 अननोन हो गया, और एक अननोन क्या हो गया, F1 हो गया। दो इक्वेशन है, और मैथ्स में विशाल सर को बताइए रखूंगा तुम लोग को, दो इक्वेशन दो वेरिएबल तो फटाक से सॉल्व कर लेते हो तुम लोग, सुना है मैंने ऐसा नहीं, यहाँ से F1 और F2 आप क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे, F1 F2 क्या करोगे, फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, दोनों मेथड सेम ही है, नाम अलग अलग दे रहा हूँ, लेकिन दोनों सेम ही है, ठीक है, इसी मेथड से ये वाला आता है, ठीक है। F1 इक्वल टू लिख सकता हूँ क्या मैं, F1 वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इनटू आई कैप, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, अरे बोलो, अरे इस वेक्टर को लिख सकता हूँ मैं मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इनटू आई कैप, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में लग रहा है ना, एक्स डायरेक्शन में क्या होता है, डायरेक्शन आई कैप होता है। इस वाले वेक्टर को लिख सकता हूं मैं F2 sin 53 इंटू जे कैप, लिख सकता हूं, इस वाले वेक्टर को लिख सकता हूं मैं 8 न्यूटन इंटू माइनस ऑफ जे कैप, लिख सकता हूं, बोलो 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 जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। F2 cos 53 इंटू माइनस ऑफ आई कैप, लिख सकता हूँ, अरे बोलो, अरे F1 देखोगे तो F1 क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये वाला किधर है, ये वाला है आपको नेगेटिव डायरेक्शन, सॉरी पॉजिटिव बाई डायरेक्शन में है, जे कैप लिख दिया। ए फोर्स देखोगे तो क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में, माइनस क्या हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा। ए फोर्स क्या है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो क्या जाएगा, माइनस आई कैप हो जाएगा। सबका सम जीरो है, सबका सम जीरो है, क्या लिख सकते हैं, इफ मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, F net equal to zero, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सारे फोर्स का सम कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सारे फोर्स का सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो पहला फोर्स कितना है, तो पहला फोर्स है F1 into I cap, है कि नहीं है, F1 into I cap। दूसरा क्या है, दूसरा है F2 sin 53 into J cap plus F2 sin 53 into J cap प्लस ये क्या है, ये है F2 cos 53 इंटू माइनस आई कैप, हो जाएगा F2 cos 53 इंटू
माइनस ऑफ आई कैप, माइनस ऑफ आई कैप, आई जे सेम नहीं लगना चाहिए, जे है ठीक है, और एक क्या है आई है, और तीसरा चौथा वाला फोर्स क्या हो जाएगा, तो जाएगा 8 न्यूटन इंटू माइनस ऑफ जे कैप इक्वल टू जीरो होगा कि नहीं होगा, इक्वल टू जीरो होगा, यस सर, फटाफट हाँ बोलने का है ठीक है। यहां से देखोगे तो ये सब वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे, आई वाले को आई के साथ ऐड करेंगे और जे वाले को जे के साथ ऐड करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, ऐसे ही करते थे ना, आई जे के फॉर्म में रहता था तो एडिशन कैसे करते थे, सब भूल गए हैं क्या, तुम भी तो 11 12th के बच्चों को तरह नहीं हो गए हो, एफ वन माइनस एफ टू कॉस 53 इंटू आई कैप होगा कि नहीं होगा, देखो तो यहाँ से आई कैप ए भी है, यहाँ से आई कैप ए भी है, क्या हो जाएगा एफ वन, यहाँ से हो जाएगा माइनस ऑफ एफ टू, माइनस ऑफ एफ टू कॉस 53 इंटू आई कैप होगा जी, यस सर, यहाँ से कितना होगा एफ टू, बाकी लोग तो बोलने का पता नहीं क्या कर लिए, कसम खा के आते आज तो नहीं बोलेंगे, मौन व्रत रखेंगे, होगा F2 sin 53 माइनस ऑफ 8 इक्वल टू कितना होगा जीरो, तो यहां से दो वेक्टर जीरो है ठीक है, एक ए वेक्टर और ए वेक्टर क्या है जीरो है, इसका मतलब क्या होगा, यहां से होगा कि मतलब F1 माइनस F2, F1 माइनस F2 cos 53 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, एंड एंड क्या होगा तो F2 sin 53 माइनस 8 इक्वल टू क्या आएगा जीरो आएगा ठीक है, यहां से वापस से देखो तो क्या आ गया F1 इक्वल टू F2 cos 53 और एंड यहां से F2 sin 53 इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया, सेम चीज आ गया ना, होगा कि नहीं होगा, अगर कोई वेक्टर तो इतना लंबा क्यों करेंगे, अरे बस दिखाने के लिए, पहले पहले तो यही किया ना अपन, पहले तो यही किया ना, पहले yes. बस दिखाने के लिए कि अगर देखो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर कोई ए वेक्टर आपको दे रखा है इस तरह से, कोई भी एक वेक्टर दे रखा है ठीक है, मान लो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और इक्वल टू अगर जीरो दे रखा है, इक्वल टू अगर जीरो दे रखा है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा एक्स भी जीरो होगा और साथ साथ वाई भी क्या होगा जीरो होगा, तभी वेक्टर जीरो होगा ना, अगर वेक्टर जीरो है इसका मतलब क्या होगा, एक्स कंपोनेंट क्या होगा इसका जीरो होगा और वाई कंपोनेंट भी क्या होगा जीरो जीरो होगा, तभी होगा ना जीरो, अगर कोई भी एक नॉन जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वेक्टर जीरो होगा क्या, नहीं ना, अगर इस तरह से दिया आपको यहाँ पे कि दिस प्लस दिस इक्वल टू जीरो इसका मतलब क्या होगा, इसका आई कंपोनेंट भी जीरो होगा, इसका जे कंपोनेंट भी जीरो होगा, अगर साथ में के रहता तो के कंपोनेंट भी क्या होता जीरो होता ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इक्वेट कर लिए, सेम चीज आएगा, इसी चीज को हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग किए थे फटाफट हमने स्टार्टिंग किया था ठीक है, ए वेक्टर इक्वल टू ठीक है एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप इक्वल टू जीरो दिया, इसका मतलब क्या होगा यहाँ से एक्स भी जीरो होगा साथ साथ बाई भी क्या होगा जीरो होगा, एंड का साइन दे रहा हूँ और नहीं दे रहा हूँ, एंड मतलब दोनों एक साथ जीरो होना चाहिए ठीक है, सेम चीज आएगा ठीक है, इसका मतलब अगर फोर्स जीरो है नेट फोर्स, एक्स डायरेक्शन वाला फोर्स क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए, एक्स डायरेक्शन वाला फोर्स कितना होना चाहिए जीरो होना चाहिए, साथ साथ वाई डायरेक्शन का फोर्स भी क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए ठीक है, ये वाला क्या था, ये वाला था आपका, ये हमने बैलेंस किया था एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होना चाहिए जीरो होना चाहिए, और ये क्या था हमारा था वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन का फोर्स कितना होना चाहिए जीरो होना चाहिए, अगर पॉइंट इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम समझ में आया, इस पे एक दो क्वेश्चन और कराएंगे उसको क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाएंगे, आपका हो जाएगा कहानी खत्म, आज के लिए इतना ही, इससे कुछ पूछना क्रॉस प्रोडक्ट के बाद